हे गाइस, आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा होगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं क्या बनाऊँगी? आज मैं बनाऊँगी वेज नूडल्स, अपने स्टाइल वाला, जो देसी स्टाइल है। और क्या करूँगी मैं करूँगी आज मैं बनाऊँगी बाटी चोखा भी अपने तरीके से। तो ये सारे प्लान्स हैं आज के। कुछ घर में पॉट्स मेरे ख़राब हो गए हैं तो उनको लूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आराम से आगे पेंटिंग क्लास है तो वो वहाँ जा रही हूँ, तो कभी वहाँ छोड़ूंगी। तो बहुत सारा काम है हमारे पास करने को। तो अभी मिलते हैं हम। नूडल्स मैं आज कैसे बनाती हूँ आपको दिखाऊंगी अपने स्टाइल से। क्यों चला रही हूँ, क्या हो गया? मेरी आठ फाइल बेटा, आपका बैग है, ये देखो आपकी हाथ पाई। चाउमीन बनाने के लिए हमें वेजिटेबल्स काटनी होती है, पतली पतली लंबी लंबी, और नूडल्स 80% बॉइल कर। मम्मा, जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी चाय बनाना सीखूंगा। सबसे पहले तो चाय बनाना सीखना है ना। सबसे पहले चाय, ये देखो इस पोजीशन पे 80% कुक होना चाहिए। तो मेरा चाउमीन बनाने के लिए मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। मैं हमारे घर में जो खाना बनता है वो हम लोग सरसों के तेल में ही बनाते हैं। तो चाहे वो चाउमीन हो या कुछ भी हो, घी में भी बना सकते हैं, पर नूडल्स में अगर आप घी यूज़ करेंगे तो फिर वो आपका थोड़ा सा चिपकने लगता है अभी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अभी उतना गर्म नहीं है। तो भाई, क्योंकि गार्लिक मैंने बोला था तो हम अभी इसमें डालेंगे गार्लिक। ये जो मैंने अनियन कट करके रखा है, मेरे पास एक्चुअली में कैबेज नहीं है तो वो मैं नहीं यूज कर रही हूँ। जो है वही डाल दी। थोड़ा सा उसको ट्रांसलेशन होने देंगे। इसको डाल दूंगी, तो नूडल्स के मसाले में मैं क्या डालूँगी, अपना ही सेजवान सॉस, टिक्का और टोमेटो केचप थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं। वैसे तो इनको जो है आप ओपन कुक करके, लेकिन अगर घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको इसको थोड़ा सा ढक के भी कुक करना चाहिए ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और वो लोग भी आसानी से खा सकें। तो मैं तो करूँगी क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी है जिसको दांतों का प्रॉब्लम है। तो हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे अभी नमक। मैं नमक डालूँगी, सॉस में नमक होता है, इस चीज़ को ध्यान में रख के हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। अजीनोमोटो जो होता है वो मैं नूडल्स में पे नहीं डालती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसीलिए मैं उसको कम्प्लीटली अपने नूडल्स से अवॉइड करती हूँ। अभी हम इन्हें थोड़ा सा कुक करेंगे, हाई फ्लेम पे ही रखती हूँ, ज़्यादा देर नहीं कुक करना, ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ा सा करना है बस। तो जो मैंने अपने नूडल्स बॉयल किए थे, जो 80% मेरे कुक हो गए हैं, तो मैंने उनमें थोड़े सी उनको पानी स्टेन करके और इसमें मैंने
थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसको ऐसे करके मिला लिया है अच्छे से। ये देखिए 80% कुक होने में ना ये बहुत बढ़िया सा आएगा, क्योंकि बाकी सारा तो ये जब हम बनाएंगे नूडल्स तभी ये कुक हो जाते हैं उनकी हीट से, तो इस तरह से होना चाहिए। तो अभी हम अपना जो मैंने सब्जी डाली थी वो भी चेक कर लेते हैं, तो ये साइड में रखते हैं हम। सही है, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अपना ये डालेंगे, ये आपके पास हो तो डालो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। चिली सॉस मेरे पास नहीं है तो ये मैं डाल रही हूँ सॉस, थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि जिनको लेना होता है वो ऊपर से भी लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये आपका सेका है काला वाला है ना, जिसको आप ब्लैक सोया सॉस बोलते हैं। तो हम अब इनको, और अब इसमें मैं थोड़ा सा विनेगर डालूँगी, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़्यादा सा नहीं। चलते अब इनको हम अच्छे से प्रॉपर कुक मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इस कंडीशन में डालेंगे अपने नूडल्स जो मैंने बॉइल करके रखे थे। अच्छे से हाथों के ऐसे ऐसे करके डालिए बढ़िया से, हो गया। अब इनको हम अपनी दो स्टिक की हेल्प से इन्हें हम ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपको दिख रहा होगा आई थिंक कैमरा से, साइड में हमारा दूध उबल रहा है वो भी आ रहा है। इस तरीके से हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो ये देखिए पूरी तरीके से हमारा नूडल्स मिक्स हो गया है और बड़ा ही सुंदर सा कलर आ गया है। खाने में तो टेस्टी होगा ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसमें थोड़ी सब्जियां और पड़ सकती हैं, कैबेज पड़ सकती है, बीन्स भी पड़ सकती है, जो आपके पास हो। मेरे पास जो थी वो मैंने डाल के बना दिया। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और 2 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए और अच्छे से फिर हम इन्हें खाएंगे।